आज हम लोग जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इन सबों के बारे में देखा, किस प्रकार से जो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और होमोलाइटिक हेटरोलाइटिक फ्यूजन, इन सब टॉपिक को हमने वो लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। और ये सारे जो लेक्चर हैं राइशुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक को समझने में, कोई भी पोर्शन को में समझने में दिक्कत हो रहा है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में, जेई मेन्स एडवांस या नीट इन सबों की प्रिपरेशन करते हो, तो उसके लिए तुम राइशुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके तुम्हें मिल जाएंगे हर चैप्टर के। दूसरा, उसमें तुमको वीडियो लेक्चर सारे मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, तुमको जो सारे लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड, उसके अलावा जो कि तुमको एससी वर्मा के सॉल्यूशंस, एससी वर्मा के जो उनको जो टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं उन सबों को डिस्कस भी कर दिया गया है फिजिक्स के। तो इन सबों के लिए तुम राइशुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो है, तो उसके अलावा पर्सनल जो तुमको डाउट है उसके लिए तुम जाहिर है कि ऐप पर जा करके अपने लिए टाइम क्या कर सकते हो, पर्सनल अलॉट करा सकते हो और कभी भी तुम संपर्क करके अपना जो भी डाउट है तुम्हारा उसको क्लियर कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में है, जो कि टाइप, उसके मैकेनिज्म क्या होंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन कह सकते हैं, इसको चार पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला तो हो गया तुमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया पहला। दूसरा कैटेगरी कह सकते हो जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा एटम या ग्रुप आ जाना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिटेल करेंगे हम लोग, अभी पहले नाम लिख ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद एडिशन रिएक्शन, एडिशन के बाद हो गया तुमको तीसरा नंबर इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन और चौथा हो गया रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये जो तुमको है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले स्टार्ट करेंगे, फिर एडिशन और बारी बारी से हम लोग सबके जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है तुमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि है, इसका जहां तक डिफिनेशन है तुम पहले से भी जान रहे होगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ग्रुप और एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप और एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे तुमको ये तुमको हो गया CH4+Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में या डिफ्यूज सनलाइट भी कह सकते हो, डिफ्यूज सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए, उसके प्रेजेंस में ये तुमको जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन एटम, और इस प्रकार से तुमको क्या बन जाएगा, ये मेथिल क्लोराइड बन जाएगा और प्लस HCl। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये तुमको कहते हैं इसमें जो कि अगर हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे तो ये तुमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा इसका, ये तुमको है फ्री रेडिकल का, इसमें इसका जो तुम्हारा होगा इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा उसके आधार पर इसका होगा, तो इसके रिएक्शन को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं इसमें,
होगा। दूसरा टाइप का एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है जिसमें कि हम लोग बेंजीन है, तुमको बेंजीन है, तुमको इसमें हाइड्रोजन एटम होता है हर जगह से, C6H6 इसका फॉर्मूला है, और इसमें अगर तुमको मान लेते हैं CH3Cl एक देते हैं CH3Cl, और यहां पर एक होता है एनहाइड्रस AlCl3, हेलोजन कैरियर कहते हैं इसको, अगर इसका यहां पे प्रयोग करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 तो यहां पर क्या हो जाएगा तुमको, यहां पर से ये जो हाइड्रोजन एटम है CH3 के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन एटम है CH3 के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, कोई भी हाइड्रोजन एटम कहीं का भी एक ही बात होगा, तो बेंजीन और इधर की तरफ फिर क्या बन जाएगा प्लस, हाइड्रोजन हट गया वहां से और यहां पर HCl बन जाएगा। तो ये जो तुमको इसको टॉलविन कहते हैं, नाम अगर याद करना चाहोगे तो इसको टॉलविन के नाम से जानते हैं। ये जो तुमको है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं इसको, इस तरह का रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है यहाँ पर CH3+ जो बनेगा, CH3+ एक इसका मैकेनिज्म जब हम आगे देखेंगे तो इसमें देखोगे कि तुमको CH3+ जो है तुमको एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, CH3+ चार्ज है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेंजीन रिंग में तीन जगह पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज होते रहते हैं, तो ये बेंजीन के यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें जो रिएजेंट काम करेगा, इसलिए ये तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो ये तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और इसके डिटेल रिएक्शन को हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, जैसे कोई भी तुमको कोई जैसे तुमको है मान लेते हैं कि ये एल्किल हैलाइड है CH3CH2Cl, इसमें अगर एक्वस KOH डाल दोगे, KOH डाल देते हैं एक्वस वाटर के प्रेजेंस में, तो ये तुमको वाटर के प्रेजेंस में KOH K+ और OH- में बदल जाएगा, और जो OH बनेगा OH- में नेगेटिव चार्ज आती है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये Cl को यहां से रिप्लेस कर देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा CH3CH2OH प्लस KCl बन जाएगा ये, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा ये, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूशन भी हो गए वो तीन कैटेगरी में यहां बट गए। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ जहां पर देखो, पहला में क्या है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका होगा, दूसरा है तुमको इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा जो मैकेनिज्म में आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहां पर OH- माइनस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन रिप्लेसमेंट होगा, तो OH- माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज है तो उसको क्या चाहिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस चाहिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है और CH3+ उसका बनेगा, तो उस किस तरह से मैकेनिज्म होंगे और इस मैकेनिज्म को समझ के जैसे कि इस पर और भी बेस्ट जिसमें कुछ चेंजिंग किए जाएंगे रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए आपको जैसे बनाना है प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, तो जब आप मैकेनिज्म इसका समझेंगे तो उसमें जो भी चेंजिंग होगा उससे जुड़े हुए प्रश्न को क्या कर पाएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो है डिटेल मैकेनिज्म तुमको इसको बता दे रहे हैं, तो इसका मैकेनिज्म तुम्हारा होगा, तो इसका जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हम लोग पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो था तुम्हारा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है तुमको उसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे काम करता है। तो फ्री रेडिकल में जैसे था तुम्हारा जो एग्जाम्पल था हम लोग का जो एल्केन में तुमको और एल्केन में तुमको है एल्केन में जैसे कि तुमको जब हम लोग Cl2 कोई भी हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे हेलोजन जैसे Cl2 Br2 तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है एक हाइड्रोजन एटम उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है और हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके वहां पर हेलोजन एटम आ जाएंगे। अगर मोनोक्लोरो अगर एक हेलोजन को सब्स्टिट्यूट होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ और मोनो हैलाइड बनेगा और दो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो डाईहैलाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को अब हम लोग देखेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे तुमको है, जिसका कि एग्जांपल तुमको सबसे सिंपल जो रिएक्शन अभी लिखे थे, CH4+Cl2 सनलाइट की। अब बात है कि इसमें सनलाइट की क्यों जरूरत है, सनलाइट स्टार्टिंग करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl, CH4+Cl2। तो ये जो तुमको देखो किस ढंग से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, जिसमें पहला स्टेप है इनिशिएशन, जिसको स्टार्ट करना है, इनिशिएशन। स्टार्ट कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, तो स्टार्टिंग करने के लिए जैसे Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा यहां, और ये इसको सनलाइट के प्रेजेंस में इसको जो बॉन्ड को तोड़ना है, या एच न्यू कोई भी रेडिएशन होगा तुमको, तो यहां पर जो ये बॉन्ड जो टूटेगा, ये तुमको इसको तोड़ने के लिए सनलाइट की जरूरत है, और ये इससे इसका बॉन्ड टूट जाएगा, और हाफ एरो दिया हुआ है जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शेयर हो जाएगा, बॉन्ड टूट के दोनों जो है होमोलाइटिक फ्यूजन करेगा, और इस प्रकार से यहां पर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये क्लोरीन एटम है, सीएल डॉट बन गया, उसको डॉट से हम लोग दिखाते हैं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इनिशिएशन हो गया, अब है तुमको प्रोपेगेशन, अब है प्रोपेगेशन। तो ये प्रोपेगेशन क्या हो जाएगा, ये जो प्रोपेगेशन स्टेप है, तो प्रोपेगेशन स्टेप में तुमको क्या होगा कि सीएल डॉट है जैसे, तो CH4+Cl डॉट क्लोरीन फ्री रेडिकल, इससे क्या बन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 डॉट, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, प्लस क्या हो जाएगा ये HCl, तो ये हो गया तुमको मेथिल फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये जो तुमको है, तो CH3 डॉट बन गया, यहां पर मेथिल फ्री रेडिकल बनेगा, और ये जो फिर मेथिल फ्री रेडिकल है, यही स्टेप CH3 डॉट जो है तुमको ये Cl2 से कंबाइन करके, यहां से इसका जो बॉन्ड है तुमको Cl2 का, एक Cl एटम को यहां पे Cl का जो तुमको है, अब इसी को इस बॉन्ड को ये इसी के इफेक्ट से ये ऑटोमेटिक इसके डॉट है, तो यहां पर जाकर के ये क्या हो जाएगा, ये टूट करके यहां से क्या बना लेगा, ये CH3Cl बन जाएगा और प्लस Cl डॉट एक बन जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, ये दूसरे मॉलिक्यूल जो CH4 का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उससे फिर कंबाइन करके फिर यहां पर क्या होगा, CH3 डॉट बनाएगा, ये फिर CH3 डॉट जो Cl2 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बनाएगा, फिर Cl डॉट बनेगा, फिर इस तरह से ये बार बार प्रोपेगेट करता रहेगा, तो ये रिएक्शन बार बार चलता रहेगा, और इस प्रकार से CH3Cl आपका प्रोड्यूस होता रहेगा, CH3Cl इस स्टेप में और HCl इस स्टेप में बनता जाएगा, और यही स्टेप बार बार रिपीट करेगा, और जब ये तुमको तो यही प्रोडक्ट होते रहेगा। और अब अगर इसका टर्मिनेशन कहते हैं, लास्ट स्टेप जो तुम्हारा होगा जब ये रिएक्शन टर्मिनेशन क्या होगा, टर्मिनेशन में ये हो सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अब तुमको जैसे कि Cl डॉट बना, अब CH4 मिल ही नहीं रहा है, तो ये Cl डॉट अगर तुमको इसका ये अगर CH4 नहीं मिला, तो मानते एक दूसरा Cl डॉट मिल गया, तो ये Cl डॉट मिल गया तो ये तुमको क्या बना सकता है, ये Cl2 बना सकता है, या CH3 डॉट है जैसे तुम्हारे पास CH3 डॉट और प्लस क्या मिल गया तुमको, एक CH3 डॉट मिल गया, और लास्ट में अब तुमको क्या नहीं मिल रहा है, अब तुमको दूसरा मिथेन का जो है तुमको Cl2 का मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना सकता है, C2H6 बन सकता है ये, तो इसमें स्मॉल अमाउंट में ये सब स्मॉल अमाउंट में बनने की संभावनाएं रहती है। और तुमको जैसे कि ये भी टर्मिनेटर CH3 डॉट और अगर Cl डॉट मिल गया तो ये तुमको CH3Cl भी बन सकता है, तो इस तरह से तुमको ये सब पॉसिबिलिटीज है, इसके आधार पर ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इस सब मैकेनिज्म जैसे है तुमको, तो एक बार जैसे इसमें क्या है गौर करने की बात कि ये देख सकते हैं हम लोग कि रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ पहले, तो पहले सनलाइट की जरूरत है,
जो कि हम लोग सनलाइट का मतलब हो गया कि जैसे जहां पर सनलाइट आ रहा हो डार्क में अगर करेंगे रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है सी एल टू का उसको ब्रेक करने के लिए, सी एल टू का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको सनलाइट की जरूरत है, जिससे कि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर एनर्जी हो और वो बॉन्ड क्या हो सके, ब्रेक हो सके। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन आगे हो पाएगा। तो इसके लिए डार्क में रिएक्शन ये प्रोसीड नहीं करता है। दूसरा बात है कि एक बार रिएक्शन अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर सनलाइट के बॉन्ड तो फिर यहाँ पर जो प्रोपेगेशन स्टेप में है, आगे जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इनिशिएशन के बाद, तो इनिशिएशन के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तुमको तो प्रोपेगेशन स्टेप में कोई सनलाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार रिएक्शन को आप स्टार्ट कर लीजिए सनलाइट में जाके, फिर आप डार्क में भी कराएंगे तो रिएक्शन होगा। तो इस बात का प्रमाण है कि बाद में सी एल टू को तोड़ने के लिए लाइट की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ भी रिएक्शन का देख रहे हैं हम लोग, जो स्टेप है वो तो खुद टूट रहा है सी एल टू यहाँ पर सी एच डॉट के प्रेजेंस में, CH3 डॉट के प्रेजेंस में Cl2 क्या हुआ CH3Cl और Cl डॉट में खुद टूटता है, फिर Cl डॉट CH4 से करता है। इस प्रकार से यही स्टेप प्रोपेगेट करते रहता है। तो ये जो तुम्हारा है यही स्टेप बार बार दोहराया जाएगा जो प्रोपेगेशन स्टेप है, और ये स्टेप एक बार डार्क में भी रिएक्शन करा दिए। अब दूसरा, जैसे कि हम लोग को फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद होगा, तो इसमें तुमको इसका मैकेनिज्म यही है। अब इस मैकेनिज्म का जैसे कि तुमको है कि हम लोग का फ्री रेडिकल का जैसे कि एक ही कंपाउंड में, अब इसको जैसे कि इसमें क्वेश्चंस वगैरह में जैसे कि तुमको एक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन 3 डिग्री भी हो सकते हैं, 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो गया, 3 डिग्री मतलब फ्री रेडिकल बन सकता है वहां से हाइड्रोजन को सब छूट करेगा, 2 डिग्री भी अगर बन सकता है 1 डिग्री भी बन सकता है, तो किसको हम फेवर करेंगे। जैसे कि तुमको एक कंपाउंड है, एक क्वेश्चन में तो दिया गया जिसमें कि ये पूछा जा रहा है कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे सब्स्टिट्यूशन के, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और अगर एक जैसे कि अब अगर यही तुमको है, इसको जैसे कंट्रोलिंग का तरीका होता है, इसको जैसे रिएक्शन है तुमको, जैसे ये रिएक्शन तुमको अभी जो हम लोग पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये रिएक्शन में डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी बन सकता है। जैसे कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हमने किया अभी CH4+Cl2 से, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में क्या बना ये सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl+HCl बना। अब अगर Cl2 बहुत अधिक मात्रा में है, इसका एक्सेस है Cl2 का एक्सेस है, तो क्या होगा कि ये जो CH3Cl है ये बना, ये अगर Cl2 बहुत है तो अब CH3Cl में भी तो H एक है जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये मोनो हैलोजन के भाई, इसको मेथिल क्लोराइड कहते हैं हम लोग, मेथिल क्लोराइड या तुमको क्लोरो मिथेन IPAC में, तो मेथिल क्लोराइड बना। अब तुमको ये Cl2 बहुत अधिक एक्सेस है, इन एक्सेस ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, ये तुमको अब Cl2 को CH3 डॉट नहीं मिलेगा, तो ये तुमको क्या करेगा CH3Cl वाला जो है H को इसी को हटा सकता है, तो ये क्या बना सकता है, इसके मतलब ये CH2Cl2 बना लेता है, इसको मिथिलीन, CH2 को मिथिलीन कहते थे, मिथिलीन क्लोराइड कह सकते हैं इसको, CH2 या तो डाइक्लोरोमिथेन ऐसा कह सकते हैं हम लोग IPAC में, डाइक्लोरोमिथेन या मिथिलीन क्लोराइड। तो दूसरा होगा मिथिलीन क्लोराइड, और अधिक Cl2 बहुत काफी एक्सेस में अगर, तो ऐसी भी संभावना है कि CH2Cl2+Cl2 से क्या बन जाए, 3 ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बना दे, तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो CHCl3 हो जाएगा प्लस HCl, ये क्या है तुमको क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म होगा, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और CHCl3+Cl2 तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकता है, CCl4+HCl ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बनाएगा। तो ये चार जो है तुमको ये इन एक्सेस ऑफ क्या होगा तुम्हारा, इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन ये रिएक्शन हो सकता है, ये तुम्हारा है इन एक्सेस ऑफ Cl2, ये क्लोरीन के एक्सेस में ऐसा हो सकता है। और अगर एक्सेस तुम्हारा रहा CH4 का, तो इन सबों की जो पॉसिबिलिटीज है, तो CH4 मिलता ही रहेगा, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर एक्सेस ऑफ मिथेन हुआ तो CH3Cl ही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये तुम्हारा अब दूसरा जहां पे बात कर रहे थे यहां पर, तो इस तरह से डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी बन सकते हैं, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव।
तो सी एच सी एल थ्री का नाम होता है तुमको क्लोरोफॉर्म, सी एच बी आर थ्री का नाम ब्रोमोफॉर्म, सी एच आई थ्री होगा तो आयोडोफॉर्म, ये तुमको फेमस कंपाउंड है जिसका नाम याद कर लोगे तो ये तुमको क्लोरोफॉर्म जो कि तुमको जो कि ऑपरेशन के समय पेशेंट को जो है तुमको बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग पहले किया करते थे। अब कुछ कारणवश इसका प्रयोग को कुछ इन्वायरमेंटल के कारण जो हेलोजन जो तुम्हारा ओजोन लेयर को ये डिप्लीट करने में सबका रोल होता है सब केमिकल का, तो इसके कारण सबके का यूज जो यूज है कम किया गया है, तो उसमें से ये भी आते हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह का यूज भी अब कम होने लगा है। तो ये जो तुम्हारा है अब जैसे कि अगला है तुमको जैसे कि ये तुमको थ्री डिग्री जो रेडिकल होता है थ्री डिग्री का फ्री रेडिकल थ्री डिग्री का जो स्टेबिलिटी है ज्यादा होता है, टू डिग्री का उससे कम है, वन डिग्री का उससे कम है, मेथिल का उससे कम होता है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, तो इसका स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है कि तुमको थ्री डिग्री जो स्टेबिलिटी का फ्री रेडिकल का ऑर्डर यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जहाँ तक हेलोजन में तुमको बात है हेलोजन में तुमको जो एक्टिविटी का बात होता है फ्लोरीन तो काफ़ी इस तरह का रिएक्शन जनरली करता नहीं, ये ओवर मतलब कहते हैं सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत फास्टली होता है तो ये तुमको सब्स्टिट्यूशन इस तरह का देता ही नहीं है, उससे कम होगा फ्लोरीन का, ये ब्रोमीन का, फिर आई टू का इससे कम होगा, ये रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एक्टिविटी ऑफ हेलोजन, ये हेलोजन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, अब है तुमको ये हेलोजन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ, अब है तुमको आगे का जैसे कि थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री, तो इससे एक जैसे कि क्वेश्चन में अगर समझें या जिसमें कि तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन ही दें तो इसमें जैसे कि है तुमको कि दो तरह का अगर हम दें टू डिग्री और वन डिग्री कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, जैसे क्वेश्चन है तुमको तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 से ये तुमको सनलाइट में दे दें सनलाइट में तो क्या प्रोडक्ट होगा मोनोहैलोजन डेरिवेटिव क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ दो तरह की संभावनाएं दिख रही है, एक तो यहाँ पर दो तरह का हाइड्रोजन है हमको CH3 CH2 CH3 है तो हमको तो एक डिग्री में कहा कार्बन भी है एक डिग्री हाइड्रोजन भी है दो डिग्री हाइड्रोजन भी है तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट जो बनेंगे CH3 CH2 इसको हटा देंगे अगर तो यहाँ से Cl बन सकता है प्लस दो डिग्री भी बन सकता है तो ये बन सकता है CH3 CHCl और ये CH3 तो ये टू डिग्री हो गया, ये तुमको ये टू क्लोरो प्रोपेन भी बन सकता है और वन क्लोरो प्रोपेन, ये तुमको हो गया वन क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया वन क्लोरो प्रोपेन और ये हो गया तुमको टू क्लोरो प्रोपेन, ये वन क्लोरो प्रोपेन और ये टू क्लोरो प्रोपेन, दो तरह के क्या बन सकते हैं प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये दोनों का जो बनने का संभावना होता है और एसएल तो निकलेंगे ही, तो इसका जहां तक है स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है थ्री डिग्री का जैसे अभी बोल रहे थे ज्यादा होता है टू डिग्री उससे कम वन डिग्री उससे कम, तो इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें ये फाइव रेशियो जो तुमको होता है 5:5 गुना ज्यादा स्टेबल था एक डिग्री से, ये एक डिग्री से 3.8 टाइम ज्यादा स्टेबल था, ये वन होता है मतलब ग्रेटर में भी ये तुमको इस रेशियो में होता है, तो 5 गुना होता है 3 डिग्री उसके 3.8 टाइम्स इसका 1 टाइम, तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां तक कि लेकिन यहां पर जो CH जो कि 1 डिग्री है यहां पर हम लोग का हाइड्रोजन जैसे इसमें देखा जाए
तो सी एच थ्री है तो इसमें तीन हाइड्रोजन हुआ, ये एक डिग्री के हुए। जैसे यहां पर अगर इसको काउंट करें, यहां दो हो गए सी एच टू, ये दो डिग्री, दो कार्बन से जुट रहा है, ये एक एक कार्बन से जुट रहा है, ये सब एक एक कार्बन से जुटता है। तो ये तुमको तीन तीन छह हाइड्रोजन हो गए और ये दो हाइड्रोजन हो गए, तो तीन डिग्री छह डिग्री, एक डिग्री के यहां पर छह हाइड्रोजन है, एक डिग्री का सिक्स हाइड्रोजन और दो डिग्री का दो हाइड्रोजन है यहां पर। और इसका स्टेबिलिटी है, तुमको दो हाइड्रोजन है इसका स्टेबिलिटी है 3.8 टाइम्स, तो वन डिग्री और रेशियो टू डिग्री का जो रेशियो होगा यहां पर उसका, तो ये वन वाला का सिक्स है स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन दो वाला का यहां पर 3.8 स्टेबिलिटी होता है, तो वन और सिक्स एज टू 7.8 का होगा रेशियो इसका, तो सिक्स एज टू 7.8 का मतलब इसका जो रेशियो होगा सिक्स बाय इसलिए परसेंटेज ऑफ वन क्लोरोबेटेन वन क्लोरोप्रोपेन वन क्लोरोप्रोपेन इज इक्वल टू सिक्स बाय, तो इसको ऐड कर देंगे टोटल 13.8 इंटू 100, तो ये करीब करीब 46% 45% इसका आ जाएगा। और तुमको रेस्ट जो तुम्हारा होगा टू क्लोरोप्रोपेन जो होगा तुमको टू क्लोरोप्रोपेन का 7.8 बाय 13.8 इंटू 100 ये 55% करीब करीब आएगा। तो ये तुम्हारा जो है इसका मतलब टू क्लोरोप्रोपेन ही तुमको डोमिनेटिंग होगा, इसमें बनेंगे दोनों और दोनों का जो परसेंटेज है जो हमने अभी निकाला, तो देखो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा तो जरूर है टू डिग्री का, लेकिन हाइड्रोजन जो है वन डिग्री की संख्या भी यहां ज्यादा है, वन डिग्री छह है और दो डिग्री का क्या है तुम्हारे पास, टू डिग्री का हमारे पास दो ही है, लेकिन उसका 3.8 टाइम्स स्टेबिलिटी होता है, तो दो गुना उसका 3.8 दैट इज 7.6 हो जाएगा, इनफैक्ट 7.8 लिख दिए हैं उसको करेक्ट कर लोगे, 2 × 3.8 मतलब लगभग यही एक रफ एक आइडिया है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन मतलब इसमें परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं इसका शो किया हुआ है, तो ये सब तुमको मैंने बता दिया कि तुमको इस ढंग से रेशियो, तो दोनों के बनने की संभावनाएं रहती है और ऐसा कुछ नहीं इसका मतलब कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा इन सब उतनी चर्चाएं नहीं की गई है। तो इसका जहां तक की रहा तुमको ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, तो ये तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इसका है। उसके बाद जैसे कि तुमको एक होता है रिएजेंट जिसको हम लोग कहते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो कि ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करता है, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन एक होता है, तो एलिलिक मतलब एलाइल पोजिशन जो होता है फ्री रेडिकल में ही तुमको उसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये तुमको अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी एलिलिक पोजिशन होता है तुमको सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच जो उसके बांधता होता है। अच्छा चलिए अब हम लोग बात करते हैं, पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का हो गया, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुमको जो सब्स्टिट्यूशन के दूसरा जो टाइप है इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है तुमको अटैक करके किसी एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा एटम या ग्रुप को वहां पर रख दे, तो यह जो रिएक्शन है यह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे बेंजीन है तुमको, बेंजीन में तुमको हम लोग रिएक्शन कराएं Cl2 से ही कराएं, चलिए Cl2 से ही कराइए और एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत पड़ेगी, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां से इसका जो प्रोडक्ट होगा ये तुमको डबल बॉन्ड तो रहेगा अपने इंटैक्ट रहेगा और एक हाइड्रोजन जो है इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकल करके ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन हो जाएगा ये, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा इसका, तो क्लोरोबेंजीन इसका प्रोडक्ट होगा। ये जो Cl2 है AlCl3 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो अब हम लोग इसका देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा,
Cl3+Cl2 है, तो इसको कैसे प्रोसीड करेगा? इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इसमें पहले जो एनहाइड्रस AlCl3, इसमें ये जो तुमको है लेविस बेस है, ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है, मतलब इसमें जो है ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें तुमको AlCl3 के जो है 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एल्यूमिनियम के AlCl3 में। तो ये जो है तुमको एक जो यहाँ पर है इनिशिएट जो होगा रिएक्शन Cl2 है तुम्हारा, तो Cl2+AlCl3 इसका ऑक्टेट ये लेविस एसिड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले करके एक एटम जो है यहाँ पर Cl- बन जाएगा, और ये एक Cl इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाए तो एक Cl+ बच जाएगा, तो Cl+ एक AlCl4- इसमें प्रोडक्ट यहाँ पर चला आएगा, ये तुमको जिसमें का ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा, और Cl+ ये क्लोरीन तुमको ये बन गया, क्या चीज तुम्हारा क्लोरीन का बन गया केटाइन, कार्बोकेटाइन। तो क्लोरीन जो Cl+ जो है तुम्हारा ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये क्या करेगा, ये देखो अब इस किस ढंग से प्रोसीड करेगा रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग में जो कि इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ये अटैक करेगा जाकर के, ये जो रिएजेंट है, तो बेंजीन रिंग में तुमको जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन होगा ये तुमको Cl+ है, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन साइट पर यहाँ पर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी रहते हैं हर जगह, हम लोग हाइड्रोजन भी दिखा देंगे एक, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब तो वहां पर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड ये जो है तुमको टूट जाएगा, और ये दोनों डबल बॉन्ड अभी इंटैक्ट रहेंगे अपने जगह पर, इसमें ये डबल बॉन्ड अपने जगह पर है, और यहाँ पर जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये तुमको क्लोरीन आके यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुट गया, और यहाँ पर H तो एक हाइड्रोजन एटम तो सब जगह है ही, उसको दिखा दिए, और यहाँ पर क्या होगा, इस ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ था तो इसमें तुमको इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका, इसके इलेक्ट्रॉन ये तुमको इस कार्बन को तो फर्क नहीं पड़ा, इस साइड से बॉन्ड बने या इधर से बने, तो Cl के साथ इधर बॉन्ड हो गया, तो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं आया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर है इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इस कार्बन को, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये जो तुमको कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन बना, तो इसमें तुम देखोगे इट इज वेरी स्टेबल बिकॉज कि इसमें डीलोकलाइज हो सकता है, देखो ये जो तुमको इसकी स्टेबिलिटी का है कारण, ये जो कार्बोकेटाइन है ज्यादा, अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना जो कि तुमको यहाँ कार्बोकेटाइन जो बन रहा है ये स्टेबल होंगे बिकॉज कि ये तुमको देखो यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट कारण, इट इज स्टेबल ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट ये जो तुम्हारा है स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, ये कार्बोकेटाइन रिजोनेंस इफेक्ट है, और इस रिजोनेंस इफेक्ट में कैसे है तुमको इसको, जैसे रिजोनेंस इफेक्ट कारण इसके स्टेबलाइजेशन होगी, ये यहां पे तुमको चला जाएगा तो ये प्लस चार्ज यहां आ सकता है डिलोकलाइज होके, और ये फिर क्या होगा यहां आ गया तो ये प्लस चार्ज यहां आ सकता है, तो ये जो तुमको स्टेबिलिटी है उसको तुम अपना रिजोनेंस इफेक्ट कारण, हम ये तुमको क्या बता रहे हैं कि ये तीन जगह डिलोकलाइज हो सकता है यहां से रिजोनेंस इफेक्ट कारण, इसका मतलब है कि इसका जो इसकी चार्ज डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, जैसे कि तुमको इसका अगर तुमको रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसको रिजोनेंस, चलो बना के दिखाते हैं इसको, यहां पर क्या होगा तुमको रिजोनेंस, जैसे यहां पर क्या होगा यहां पर से यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा, तो इसका रिजोनेंस को देखो शिफ्ट करके दिखाते हैं, यहाँ पर ये यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड अभी भी है, और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और इस जगह पे क्या आ गया तुमको Cl और H अपना बॉन्ड अभी भी इसका इंटैक्ट है। अब क्या होगा तुमको, चलिए एक और बनाइए इसका स्ट्रक्चर, अगर बनाना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो इसका जो प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये तो ये प्लस चार्ज जो है तुमको ये एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है रिजोनेंस कारण, जिसके कारण की चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी जब घट जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी, चार्ज डेंसिटी कम होने से रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिएक्शन
कि इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर फिर सिंगल और फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये तुमको रेजोनेंस में अभी भी रहेगा ही। और एक प्रकार से ड्यू टू डीलोकलाइजेशन कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या होता है, ये जो तुमको बेंजीन अपना एक तुमको स्ट्रक्चर है जो कि काफी स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण, तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये तुमको इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, जिससे कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का जो रिजोनेंस का जो इसका डीलोकलाइजेशन का जो काफ़ी स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है वह फिर से क्या हो सके, इसे रिटेन कर सके। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से अब अगला स्टेप में, ये तुमको रिजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया, अब नेक्स्ट स्टेप में ये एच प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, प्रोटोन जिसको कहते हैं, प्रोटोन का रिलीज कर देंगे और तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ तुमको स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से प्रोसीड किया तुम्हारा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड अब यहाँ क्रिएट हो गया और यहाँ पर क्लोरीन एटम बचा और H प्लस यहाँ से रिलीज हो गया। ये H प्लस क्या हो गया, यहाँ से प्रोटोन, H प्लस मतलब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है उसको प्रोटोन भी कहते हैं, H प्लस यहाँ से रिलीज हो गया ये। तो ये जो रिलीज हो गया तुम्हारा, ये क्लोरोबेंजीन बन गया और ये H प्लस तुमको AlCl4- से फिर H प्लस तुम्हारा यहाँ पर क्रिएट हो गया और H प्लस रिलीज हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये रिएक्शन तुमको और H प्लस जो है अपना AlCl4- से HCl अपना बना लेगा। तो ये तुमको क्या क्या रिएक्शन हुआ, देखो यहाँ पर क्या कैसे रिएक्शन प्रोसीड किया, इलेक्ट्रोफाइल किस प्रकार बने, पहले बेंजीन में तुमको जो Cl2 था तुम्हारा, Cl2 जो है AlCl3 से के पास जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, लुईस एसिड इसलिए कहते हैं उसको, तो उसके कारण क्या हुआ, Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल बना और ये जो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जो है यह बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन एटम को बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमको बेंजीन में काफ़ी पाया जाता है और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और जो है तुमको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट कर सकता है आकर के। तो ये तुमको जो बेंजीन रिंग में तुमको जैसे और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हैं, जैसे कभी एक एग्जांपल दिए थे जिसमें कि जिसको हम लोग फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं, तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में जो एल्किल ग्रुप जुटता है सी एस थ्री सी एल में, जैसे सी एस थ्री जुट जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हुआ। जैसे तो पहले इसमें क्या किया गया, सी एल प्लस वहां पर जाकर जुटा, तो बेंजीन में तुमको सी एल प्लस जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब है तुमको, अब है जैसे कि बेंजीन में तुमको सी एस थ्री सी एल अगर ऐड करें, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही अगर बेंजीन में सी एस थ्री सी एल ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसके आधार पर क्या हो जाएगा वो, तो उसको हम लोग प्रोसीड करके लिख सकते हैं उसका मैकेनिज्म भी, जैसे कि तुमको मान लेते हैं ये बेंजीन है, हेलोजन कैरियर रहेगा सी एस थ्री सी एल अगर है, सी एस थ्री सी एल है और यहाँ पर ए एल सी एल एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री या एफ ई भी रहता है, एफ ई के प्रेजेंस में और एफ ई सी एल थ्री या एफ ई भी रहता है, इन समों के प्रेजेंस में जब रिएक्शन को प्रोसीड किया जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, ये देखो ये तुमको फिर सी एल को एक्सेप्ट कर लेगा ही, सी एल जब एक्सेप्ट कर लेगा तो सी एल प्लस तो सी एस थ्री प्लस बनेगा, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन जैसे अभी बताया था सी एल प्लस बना था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुमको, यहाँ पर सी एस थ्री यहाँ बन जाएगा और प्लस एच सी एल यहाँ बन जाएगा, मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा देखो किस ढंग से प्लस ए एल सी एल थ्री ही है तुमको, तो ये फिर हाइड्रोजन एटम को क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, तो ये तुमको जब टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सी एच थ्री प्लस बन गया यहाँ पर और प्लस AlCl4- बन गया, ये मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल कार्बोकेटाइन बन गया, ये तुमको कैसा होगा प्लस चार्ज है तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल का क्रिएशन पहले हो जाएगा देयर आफ्टर ये बेंजीन में, और सारे अभी जो है बेंजीन के सारे एटम जो है एक जैसे हैं तो वो तुमको इसका बन जाएगा। अब जैसे देखो दूसरा एक थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन करते हैं, इसको फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन के नाम से फ्रीडलक्राफ्ट एल्केलेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एल्काइलेशन ग्रुप को एसाइलेशन भी होता है, मतलब कि आर सी ओ सी एल है, मतलब आर सी एल है तो मतलब आर ग्रुप आ गया,
तो अब जैसे कि इसमें एक रिएक्शन जैसे इसी तरह से है, इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है थोड़ा सा। देखो इसमें एक नया चीज़ बताते हैं कि अगर इसमें रहेगा, बेंजीन में ही है CH3CH2CH2Cl है और इसमें एनहाइड्रस AlCl3 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, तुमको जो थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, देखो क्या मैं लिखता हूँ आंसर को, तो बहुत लोग आंसर का अनुमान लगा रहा होगा, जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं वो सोच रहा होगा कि तुमको यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ पर CH2+ बन जाएगा, तो वहाँ पर यहाँ पर वन जो है तुमको एक नंबर पर CH2CH2CH3 कहीं से जुट जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैं आंसर थोड़ा उससे अलग लिख रहा हूँ, देखो आंसर को देखोगे तो मैं आंसर लिख रहा हूँ CH CH3 और इधर CH3, मतलब कि बीच वाला कार्बन से जोड़ रहा है, ये ध्यान देने की बात है। तो देखो इसको अब रिएक्शन मैकेनिज्म इसको देखो तुमको किस ढंग से प्रोडिक्ट करता है, तो तुम जो अनुमान लगा रहे होगे उससे तुमको अलग आंसर यहाँ दिख रहा है जो पहली बार देख रहे होगे। तो उसका कारण ये है कि अगर CH3CH2 इसका मैकेनिज्म जैसे लिखते हैं समझ में, उसके बाद आएगा तुम्हें मैकेनिज्म क्यों जरूरी होता, इससे भी समझ में आएगा तुम्हें रिएक्शन में। तो ये तुम्हारा देखो ये क्या बन गया, CH3CH2CH2+AlCl4-, ऐसा बनेगा। लेकिन ये जो तुमको है ये 1 डिग्री से, ये तुमको इसको कहते हैं शिफ्ट करके, ये 1 डिग्री से, ये 1 डिग्री है कार्बोकेटान, ये 1 डिग्री कार्बोकेटान, और यहां पर अगर ये तुमको शिफ्ट करके अगर CH3 ये 2 डिग्री पर आ जाए कार्बोकेटान और हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कर दिए, यहां पर जो कहते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग करके यहां चला गया, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके ये 2 डिग्री बना सकता है, ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग करके 2 डिग्री कार्बोकेटान बन सकता है, 2 डिग्री कार्बोकेटान मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटान मोर स्टेबल। तो ये जो तुमको है ना, एक हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करके ये 2 डिग्री कार्बोकेटान बनाता, और ये जो तुमको फ्री रेडिकल बना यही तुमको बेंजीन पर अटैक करेगा जाके, और ये बेंजीन पर अटैक करके यही बीच वाला कार्बन से जुट जाएगा, और इसलिए प्रोडक्ट यही होगा तुम्हारा, तो मतलब आइसो प्रोपील बेंजीन बनेगा, ये नॉट प्रोपील बेंजीन नहीं बनके क्या बन रहा है यहां पर, आइसो प्रोपील बेंजीन होगा। तो ये क्यों होगा देख लो, यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब यहां क्या किए, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये 1 डिग्री था, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो CH3CH2 और CH2+ था, तो ये जो प्लस चार्ज ये 1 डिग्री एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये बीच में आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन के कारण इसमें 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें हाइपर कंजुगेशन के 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये तुमको जब ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर जाता है तो अगर CH3CH+CH3 बना तो इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन, इसमें 2 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है, हाइपर कंजुगेशन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसलिए ये शिफ्टिंग करके ये बनेगा, तो ये तुमको आइसोप्रोपील बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट, नॉट प्रोपील बेंजीन। तो ये तुम्हारा इस, तो इसके जानने के लिए तुमको मैकेनिज्म को जानना जरूरी है वहां पर। दूसरा होता है अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, पहले से बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर उसमें हर पोजीशन तब इक्विवेलेंट नहीं होगा। अभी था कि 6 कार्बन में कहीं भी जुड़े तो 1 क्लोरोबेंजीन ही हो रहा था आपका, या 1 मेथिल बेंजीन हो रहा था जिसको हम टोलविन भी कहते हैं, या तुमको आइसोप्रोपील भी जुटा तो एक नंबर ही उसको हम बोलेंगे, तो वहां पर तो कोई डिफरेंस नहीं था किसी ग्रुप में। लेकिन अगर पहले से कोई ग्रुप जुटा हुआ है तो आप उसके ऑर्थो पर जोड़ते हैं, या मेटा पर या पारा पर, मतलब जस्ट उसके जो एटम का प्लेस है उसे कहां से अटैच करते हैं, तो इस बात का भी अपना एक मीनिंग होता है। जैसे कहने का मतलब अगर जो बोलना चाहते हैं इसको अगर हम एक क्वेश्चन के रूप में लिख के दिखाएं तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे कि बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप जुटा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर पहले से एक CH3 जुटा हुआ है, ठीक है, CH3 नहीं तो OH ले लो, चलो बेंजीन में पहले OH जुटा हुआ है, और अब तुमने किया Cl2 से रिएक्शन कराया, Cl2 से और एनहाइड्रस हेलोजन कैरियर यहां पर रहेगा कोई AlCl3 एसिड के रूप में, तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहां पर क्या है, अब नया क्या है दिक्कत, अभी भी ये बेंजीन तो है ही,
इसमें OH ग्रुप आने से क्या फर्क पड़ा कि अगर हम यहां पर जोड़ते हैं तो इसे ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल कह सकते हैं, यहां जोड़ेंगे तो टू क्लोरोफिनॉल या मेटा क्लोरोफिनॉल कहते हैं, यहां को पारा कहते हैं, फिर यहां पर ये जो ग्रुप है ये मेटा हो जाएगा, ये फिर ऑर्थो होगा। दो ऑर्थो पोजिशन होता है, दो मेटा और दो एक पारा पोजिशन होता है। तो आप यहां जोड़िएगा तो तुमको वन मैंने वन क्लोरो होगा, यहां जोड़ेंगे तो टू क्लोरो, यहां जोड़ेंगे तो थ्री क्लोरो, यहां पर ये वन क्लोरो, यहां टू क्लोरो होगा, यहां पर जोड़ेंगे ऑर्थो पे तो यहां पर थ्री क्लोरो मेटा पर, अब फोर क्लोरो पारा पर होगा। तो यहां पर अब है कि किस पे जोड़ना चाहिएगा, तो हर आंसर इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है जो ज्यादा मात्रा में जो बनेगा, ये फिनॉल है अगर, तो ये ऑर्थो वाले भी प्रोडक्ट बनते हैं, अब प्लस क्या बनते हैं, पारा वाले प्रोडक्ट भी ज्यादा बनते हैं, ये दोनों बनते हैं, मिक्सचर बनेगा इसका OH के साथ, ऑर्थो और पारा का मिक्सचर ज्यादा बनेगा, ऑर्थो पारा, ऑर्थो पर बनेगा, और या ऑर्थो का मतलब बगल वाला, ये दोनों इक्विवेलेंट ही कहलाता है, इधर बनाइए इधर बनाइए, और या ऑर्थो पारा का मतलब ऑर्थो प्लस पारा डेरिवेटिव, ऑर्थो प्लस पारा जो तुमको है ये बनेगा ऑर्थो पर और या पारा पर आएगा, मेटा पर नहीं जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो अब बात रहा ऐसा क्या, तो जहां तक की रहा ये तुमको अब रिजोनेंस इफेक्ट से क्लियर होगा, ये जो रिजोनेंस इसमें ये जो तुमको है ये कैसा ग्रुप है, ये देता है प्लस आर इफेक्ट देने वाला ग्रुप है, ये जो OH है OH प्लस आर इफेक्ट देता है, ये प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट ये ग्रुप देने वाला ग्रुप है। इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो अब इसको रिजोनेंस से अगर हम देखेंगे तो ये क्यों वहीं से सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको जरा समझते हैं। तो इसके लिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, शायद इससे समझ में ये बात आएगा तुम्हें। इसलिए OH है यहां पर, ये O के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहां दे करके यहां पर ये माइनस चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, तो ये माइनस चार्ज यहां पर, ये माइनस चार्ज आ जाएगा और यहां पर O पे प्लस आ जाएगा और H आ जाएगा, और यहां पर तुमको ये डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर भी ये डबल बॉन्ड है। अब यहां से क्या आया, ये माइनस चार्ज कहां जा सकता है, इसको जरा देखते हैं, ये माइनस चार्ज तुमको यहां आ गया, और ये जो तुमको है डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट करके यहां चला गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O प्लस OH, और ये जो डबल बॉन्ड है अपने जगह पर है। अब ये फिर यहां से जब बनेगा तो फिर ये कहां जाएगा, देखिए मैं समय के इफेक्ट में इधर बताए हुए थे कुछ क्लास पहले, देखो उसमें भी लेक्चर में तुमको होगा, राइस्टल ऐप को पर जो लेक्चर्स हैं उसमें तुम इसको देख सकते हो, सब पिक्चर को बताया गया होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहां पर तुमको डबल बॉन्ड है यहां पर और यहां पर डबल बॉन्ड है। तो ये जो तुम्हारा है ये तो अगर गौर करके देखो तो माइनस चार्ज या तो दोनों ऑर्थो पे आया है, ऑर्थो या पारा पे गया, ये पारा पर है, माइनस चार्ज एट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो और पारा पोजीशन। तो जब इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी जो सीएल प्लस है, सीएल प्लस अटैक्स एट ऑर्थो और पारा पोजीशन, यही अटैक करेगा। जहां पे माइनस चार्ज ज्यादा होगा ऑफ कोर्स सीएस थ्री प्लस को या सीएल प्लस जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ज्यादा अटैक करने की संभावना होगी। और दूसरी बात कि और इसलिए वह कहां पे करेगा तो ऑर्थो पारा से ही हाइड्रोजन को क्या करेगा, वह सब्स्टिट्यूट करेगा और वो तुमको क्लोरीन को वहीं से जोड़ेगा, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुप जो कि प्लस आर इफेक्ट देते हैं, वह जो प्लस आर इफेक्ट देंगे तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। प्लस आर वाले ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा जो कि प्लस आर इफेक्ट देंगे। प्लस आर इफेक्ट अब देते कौन कौन ग्रुप हैं, जिसके पास की लोन पेयर होता है वही क्या करते हैं इस ढंग के इफेक्ट देंगे। जैसे बेंजीन में कौन कौन जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे बेंजीन में OH है इसके पास लोन पेयर है, या NH2 है इसके पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन है कोई भी हेलोजन है पहले से तो उसके पास भी लोन पेयर होता है, तो ये भी देंगे तुमको। तो ये सब जो ग्रुप होते हैं ये क्या दिखाते हैं हम लोग, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो सब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप
के एग्जाम्पल होते हैं, या CH3 जो होता है तुमको एक एल्किल ग्रुप, ये हाइपर कंजुगेशन कर देते हैं, ये तुमको ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन का निगेटिव चार्ज देंगे, तो निगेटिव चार्ज आना चाहिए, ये तुमको प्लस आर इफेक्ट के बजाय ये हाइपर कंजुगेशन आती है, ये भी तुमको ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये सब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गई है। और साथ ही साथ एक बात और गौर करने वाली बात है कि बेंजीन से अगर कंपेरिजन करें तो जब माइनस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करना आसान होता है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है इट एक्टिवेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है, एक्टिवेट मतलब कि बढ़ा देता है, एक्टिवेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ये बढ़ा देगा, और ये कहाँ से अटैक कर होगा इसका, कहाँ पर उसे होगा, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो ये तुमको ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रोफाइल को सेंड डायरेक्ट करता है कि आपको ऑर्थो पारा से ही जुड़ना है, तो ये इस तरह के ग्रुप क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। और तुमको दूसरा इफेक्ट जो कि माइनस आर इफेक्ट देता है या माइनस एम इफेक्ट देने वाला ग्रुप क्या करेगा, तो उसमें उसका क्या होता है, तुमको उसमें तुमको प्लस चार्ज आता है, जो माइनस आर इफेक्ट देने वाला ग्रुप है वह तुमको प्लस चार्ज भेजेगा, तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्लस चार्ज भी तुमको ऑर्थो और पारा पोजिशन से ही अटैच होता है, तो जाहिर है कि वह अब मेटा से जुड़ेगा, तो वह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि एक हम लोग देखें इसको, बेंजीन में अगर तुमको बेंजीन में जैसे जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं पहले से कोई जो कि ग्रुप है, जैसे NO2 है, CHO है, इन सबों के प्रेजेंस में अगर हम लोग इस रिएक्शन को कराएंगे तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा पे जाएगा। देखो जैसे बेंजीन है तुमको ये, बेंजीन में पहले से मानते NO2 है तुमको, और इसमें जब रिएक्शन कराएंगे अभी Cl2 से ही कराएं, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो रिएक्शन होगा ये तुमको जाकर के कहां से अटैच होगा, ये तुमको इसका आंसर पहले अगर हम लिखें तो इसका आंसर होगा NO2 है तो इसके मेटा पर जाएगा, ये Cl मेटा पर से ये सब्स्टिट्यूट करेगा और ये मेटा पर से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मेटा पर से क्यों होगा, तो मेटा डायरेक्टिंग देखो ये जहां तक इसके अगर रेजोनेंस इफेक्ट को देखें, माइनस आर इफेक्ट देने वाला ग्रुप है ये तुमको है माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है तुमको, तो NO2 तुमको जो है NO2 ये डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां सिंगल, यहां डबल। अब यहां पर जैसे तुमको है ये कैसा इफेक्ट देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, ये शिफ्ट करता है और डबल बॉन्ड यहां टूट के यहां पर आ जाएगा, तो ये NO2 जो है तुमको तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया N, यहाँ पर ये तुमको आ गया, तो ये जो तुम्हारा आ गया तो ये प्लस चार्ज चला जाएगा। और अगला जब पिक्चर बनाएंगे हमको तो ये भी फिर से बना लेते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसका प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा और कहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे तुमको डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर N और एक O हो गया और यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड है ही। फिर इसी तरह का देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये जो प्लस चार्ज भी जा रहा है कहाँ कहाँ रोटेट कर रहा है, अगर ये गौर करें तो ये प्लस चार्ज ऑर्थो और पारा पोजिशन पर ही ये आ रहा है।
ऑर्थो पारा पोजिशन पर ही ये जा रहा है। ये तुमको यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो अगर गौर किया जाए तो ये प्लस चार्ज जहां जहां गया है, प्लस चार्ज एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, तो ऑर्थो और पारा पोजिशन पे ही गया है। तो जाहिर है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको ई प्लस जिसको कहते हैं हम लोग, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे यहां सीएल प्लस बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करना चाहिए, जो और जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, वहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना ही नहीं चाहेगा। तो ऑर्थो पारा पोजिशन तो किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, इसलिए इसके पास एक ही पोजिशन बचता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, दैट इज मेटा पोजिशन। तो ये ऑर्थो और पारा पोजिशन, इसके कारण ऑर्थो पोजिशन दोनों और पारा पोजिशन, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर जाता है, तो इसके पास जाहिर है कि एक ही ग्रुप बचा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाना ही उसको बहुत लाभदायक, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन दोनों पे जाना तो ये ऑर्थो या पारा जाना नहीं चाहेगा, तो जाहिर है कि इसको अब एक ही पोजिशन जहाँ वो जा सकता है तो मेटा पोजिशन होगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसलिए कहलाएगा। तो इस तरह का क्या होता है तुमको, जो कि देता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, जिसमें कि डबल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले जो ग्रुप होंगे ये तुमको कैसा हो जाएगा, माइनस आर वाला, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये कैसा होंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और ऑफकोर्स ये बेंजीन के तुलना में जो रिएक्शन करना है इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कठिन होगा, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज जब रोटेट कर रहा है, प्लस चार्ज जब इधर उधर जा रहा है, तो ये जो तुमको है जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैक करना मुश्किल होगा। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करते हैं, ये डीएक्टिवेट करते हैं। अब बात रहा कौन कौन ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन होंगे जिसके पास डबल बॉन्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर देखो कार्बन जो कि बेंजीन से जुटेगा तो यहां डबल बॉन्ड है, या सी ओ ओ एच है तुमको, या NO2 जैसे था, देखो ये जैसे तुम्हारा था, तो ये सब क्या है, यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड से जुटने वाले जो ग्रुप होंगे, जैसे C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ग्रुप जुट जाए, तो ये C डबल बॉन्ड हो, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया तुमको, तो ये जो ग्रुप होंगे जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये होता है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होंगे, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होंगे वह तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से तुमको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तुम्हारा हो गया कि ये क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। अब तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमने देख लिया कि जो कि जिसके पास डबल बॉन्ड है जो कि इसको डीएक्टिवेट करता है तो वो मेटा पर जाता है, और पहले से अगर कोई डायरेक्ट है तो ये पहले से ग्रुप है तो कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो सकते हैं, और जो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप में भी बट गया कि वो कहां पर सब करेगा। और जाहिर के एक्टिविटी का अगर ऑर्डर करें, अगर ऑर्डर हम लोग कर दें कि तो अभी जैसे तीन हमने प्रोडक्ट किया, तो एक्टिविटी का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो एक्टिविटी का जो अगर ऑर्डर दें, तो फिनॉल जो तुमको माइनस आर इफेक्ट देने वाला का क्या होगा, तुमको प्लस आर इफेक्ट वाला का तुमको जाहिर है कि ज्यादा होगा एक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बेंजीन का उससे कम होगा, और तुमको नाइट्रो बेंजीन जैसे था अभी जो कि उसका क्या होगा, सबसे कम होगा एक्टिविटी ऑर्डर, या रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ये बेंजीन में जैसे है, बेंजीन में अगर कोई भी ग्रुप है जो कि प्लस एम इफेक्ट देता है, जो कि लोन पेयर है जिसके पास, तो वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। बेंजीन का उसके बाद आएगा नंबर, और उससे ज़्यादा उससे कम किसका हो जाएगा, ये तुमको जो कि NO2 जैसा ग्रुप जो कि माइनस एम इफेक्ट देता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि N यहाँ पे से डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है सी एच ओ इन सब में, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसमें ये बढ़ा देता है माइनस चार्ज, चूंकि अल्फा पर ऑर्थो पारा पर माइनस चार्ज देता है तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना मुश्किल होता है। इसमें तो खैर अपना बेंजीनिंग में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण रहता है, और ये प्लस चार्ज देके उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका समराइज, और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन है उसमें भी तुमने देख लिया। अब है तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे तुमको है न्यूक्लियोफाइल जो है तुमको वो अटैक करके
तुमको क्या करेगा उसमें, तुमको अटैक करके वह तुमको जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा किसी ग्रुप या एटम को, जैसे हेलोजन वगैरह को सब्स्टिट्यूट करता है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे कि तुमको है CH3CH2, यहां पर Cl जुटा हुआ है और KOH हमने डाल दिया एक्वस वाटर के प्रेजेंस में, तो K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहां जो तुमको है ये जो CH3CH2 यहां पर जो Cl को रिप्लेस कर दिया OH से, तो ये तुमको हो गया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हुआ। इसमें OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बना, तो इसमें दो तरह, जो KOH है ये एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा, इसके मैकेनिज्म होंगे तो K प्लस और OH माइनस में बदल जाता है ये। और अगर तुमको यहां पर जो है तुमको यहां दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक हम लोग कहता है SN1 मैकेनिज्म में, ये तुमको जो SN1 मैकेनिज्म अगर है, SN1 अगर कहें, SN1 कहते हैं हम लोग, जिसमें कि इस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर उसका वन हुआ, इसमें जो है एक ही मॉलिक्यूल के जो कि एल्किन हैलाइड के रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है और इसका रिएक्शन का रेट, इसलिए SN1 कहते हैं इसको। तो SN1 रिएक्शन में जो प्रोसीड करता है वो कुछ इस ढंग से करेगा, CH3CH2 ये Cl है, ये टूट जाएगा पहले यहां पर, ये टूट करके क्या बनाएगा SN1 में, ये तुमको Cl, ये जो तुमको CH3CH2 ये Cl है, इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस बन जाएगा, प्लस Cl माइनस बन जाएगा। और ये जो Cl माइनस है ये तुमको अब ये जो है OH माइनस जो यहां पर है ये तुमको ये स्लो स्टेप होता है, ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये स्लो होता है। ये अब तुमको CH2 प्लस जो है कार्बोकैटायन, इसमें से OH माइनस आकर के यहां पर अब ये जुट जाएगा, ये फास्ट स्टेप होगा जिस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, यहां पर OH बन जाएगा। ये तुमको इसमें जो है कार्बोकैटायन बनता है, SN1 में क्या बनता है तुमको कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और तुमको SN2 में जो होता है, इसके जो है डिटेल्स के बारे में क्लास 12 में तुमको जबकि है स्टीरियो स्पेसिफिक जो इस सब के होते हैं और ज्यादा इसके, SN2 में तुमको होता है दोनों एक साथ होता है, SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि यहां पर SN2 मैकेनिज्म अगर इसी में फॉलो होगा तो ये तुमको बैक साइड से OH माइनस अटैक करेगा, यहां पर से OH माइनस इसको इस साइड से अटैक करेगा और इधर से जुटते जाएगा और इधर से ये Cl का बॉन्ड टूटते जाएगा। तो यहां पर जो है तुमको ये Cl जो है OH यहां से अटैच होता जाएगा मतलब इसके बैक साइड से, CH3 से नहीं, CH3 यहां पर CH2 है और ये जो बॉन्ड है धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, ये जो Cl का बॉन्ड है ये यहां से टूटता जाएगा और यहां से OH का बॉन्ड क्या हो जाएगा दूसरी साइड से जुटता जाएगा। और इस तरह से ये तुमको सिमल्टेनियसली, इसमें कोई बीच में फॉर्मेशन नहीं होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यही रहेगा और ये तुमको इधर ये बाद में टूट जाएगा और ये जुट जाएगा, तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा तब CH3CH2 यहां से OH जुट जाएगा। और ये तुमको कहते हैं कि तुमको ये जो बैक साइड अटैक होता है इसलिए इसमें तुमको जो है पहले जैसे कि अगर तुमको कैरल कार्बन होता है जिसमें कि कैरल कार्बन के बारे में क्लास 12 का जो हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव का जो चैप्टर पढ़ेंगे जो कि तुम ऐप पर जाकर देख भी सकते हो, राइट ऐप पर क्लास 12 के लेक्चर में मिलेगा तुम्हें, तो उसमें जब तुम देखोगे इसका तो यहां पर जो तुमको आएगा तो उसमें तुमको कैरल कार्बन में ये का जो है तुमको जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जा सकता है, चेंज हो जाता है जिसके कारण कि उसको हम लोग एक SN2 में इन्वर्सन टेक्स प्लेस होता है, अगर पहले Dex2 है तो बाद में लिभो बन जाता है। तो इस तरह से इसकी चर्चा की जा सकती है, चूंकि ये बैक साइड अटैक होता है, इसको कहते हैं हम लोग बैक साइड अटैक।
और इंटरमीडिएट जो बनता है ये तुमको दोनों एक साथ, मतलब इसका सीएल का हटना और ओएच का जुटना, ये सिमल्टेनियसली होता है, दोनों एक साथ होता है सेंटो में। और इसलिए तुम्हारा, और इसमें जो है कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसमें कार्बोकेटाइन के केस में कार्बोकेटाइन इसका जैसे बनता है तो तुमको SN1 और SN2 एक दूसरे में कंपिटिटिव एग्जामिनेशन कंपिटिटिव होता है, मतलब कि SN हो कि SN2 हो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करे ये अलग अलग केस में अलग अलग पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 3 डिग्री स्टेबल होता है ज्यादा, और ये 1 डिग्री का कम, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसका जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है तो 3 डिग्री जनरली SN1 की ओर जाता है, ये तुमको SN1 की ओर जाना चाहेगा, ये SN1 की ओर जाना चाहेगा इसका मैकेनिज्म, मतलब कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करे 3 डिग्री, और 1 डिग्री जाना चाहता है SN2 की ओर जाना चाहता है ज्यादा। लेकिन इसमें इसका जो सॉल्वेंट है उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि कितना, जैसे सॉल्वेंट है अगर KOH में जैसे एक्वस है तो वो तोड़ने की संभावना है तो सब्स्टिट्यूशन की ओर जाएगा, नहीं तो ये फिर एक एलिमिनेशन भी इसका कंपटीटिव रिएक्शन होता है, तो जिसकी चर्चा हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। तो ये तुम्हारा जो है सब्स्टिट्यूशन में तुमको, जैसे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो करेगा तो इसमें तुमको है कि सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसका भी अपना इफेक्ट पड़ता है, और जैसा कि तुमको इसके जो स्टीम जो रिएक्टिविटी का जो है तुम्हारा जिस तरह का होगा, रिएक्टिविटी 3 डिग्री का ज़्यादा होता है तो वो SN1 की ओर जाना ज़्यादा पसंद करेगा, और लेकिन अगर सॉल्वेंट जैसे तुम्हारा जो है कॉन्सेंट्रेशन जो KOH का ज्यादा है अगर बढ़ाते जाइएगा तो SN2 की ओर जाने का प्रोसीड संभावना बढ़ते जाएगा, और उसकी अगर डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेशन तो SN1 की ओर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इसमें सॉल्वेंट के इफेक्ट होते हैं, एल्किल हैलाइड के जो टाइप है उसके इफेक्ट होते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाते हैं इन सबके इफेक्ट से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ये SN1 और SN2 ये तुमको दोनों रिएक्शन हो गए सब्स्टिट्यूशन के, और इस तरह के जो तुमका रिएक्शन है, और इसको और डिटेल में हम लोग क्लास 12 के जो लेक्चर्स हैं उस पर, और SN1 SN2 का ऑप्टिक स्टीरियो स्पेसिफिक जो इसका है इन सबों को हम लोग उस पर जाके देख सकते हैं, और भी इसका डिटेल में जो कि इसकी ऑर्डर 2 होगी, इसका ऑर्डर 1 है जिसमें रिएक्टिविटी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है SN1 का एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर, और इसमें रिएक्ट जो SN2 में डिपेंड कर देगा एल्किल हैलाइड के साथ साथ जो KOH है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग उसको दोनों का जो जुटना ये है ये दोनों मॉलिक्यूल का एक ही साथ रिएक्शन में भाग लेता है, स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 2 मानी जाती है। ये सब तुम्हारा हो गई ये सब्स्टिट्यूशन का, इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में क्या किया जो है तुमको तीनों टाइप के सब्स्टिट्यूशन को कुछ हमने पढ़ा, इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तुमको राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको तुम डिस्कस कर सकते हो, उसमें बना सकते हो, और तुमको जहाँ भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में मैथ हो फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी क्वेश्चन में तो उसके लिए तुम कभी भी राइटफुल ऐप को डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, और अपने पर्सनल डाउट को भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा, कोई पोर्शन समझने में दिक्कत हो तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन रिएक्शन के डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।